thank mm -hmm. you गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे स्वस्थ होंगे सेहतमंद होंगे एंड अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग मॉर्निंग से पूजा ब्लॉग से तो अभी मैं पूजा करने से पहले घर के प्रवेश द्वार पर इस तरीके से स्वस्तिक बनाकर भगवान का स्वागत करती हूँ एंड उसके बाद मैं पूजा करती हूँ और अभी ना हस्बैंड को आज थोड़ा सा जल्दी जाना है तो मैं मॉर्निंग में उनके लिए कुछ बना नहीं पाई तो वो बोले थे कुछ फ्रूट्स कट कर लो तो मैं पपाया कट कर दूंगी और दूध पी लेंगे और बस यहाँ पर उनकी मस्ती चलती रहती है बस जब तक वो घर पे रहते हैं ना और श्रेय है वो मेन वाइल्स पढ़ाई कर रहा है श्रेय को मैंने पहले ही ब्रेकफास्ट करवा दिया था पूजा करते करते और यहाँ पर मैं अपने लिए चाय लेके आ गई हूँ आप भी आइए चाय इन्जॉय कीजिए सो so, जब तक मैंने इतना काम किया श्रेय को जितना मैंने वर्क दिया था वो उसने सारे लेसन लर्न कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पर उसको सब पूछ रही हूँ देख रही हूँ कौन से रॉन्ग हैं कौन से सही है तो वो मैं उसको बता देती हूँ और इस तरीके से पढ़ाई चलती हूँ उसकी विंटर में कहते हैं ना सुबह पढ़ने से बच्चों का जो माइंड है बहुत ब्राइट होता है तो बस थोड़ा सा पढ़ाई के बाद फिर वो खेलने के लिए अपने दादू के साथ चला जाता है अभी बज रहे हैं सुबह के साढ़े दस और मेरा बेडरूम ये ऐसा फैला पड़ा हुआ है ये देखिए तो मुझे ये सारे जो कपड़े हैं ना इनको मुझे वॉश करने हैं तो मैं रख दूँगी अभी अभी तो मैं एक साइड पे अलग रख दूँगी बिकॉज़ अब धूप तो निकली नहीं है तो मैं उनको वॉश कर सकूँ एंड uh, मेरी इयर जो तो है वो टूट गई तो फिर मैंने ये वाली पहन ली है ये बताइएगा आप कैसी लग रही है <laughs> ये जो इनको ना टॉक्स बोलते हैं है ना तो बस मैंने वही पहन लिए क्योंकि आ, ऐसे व्लॉग भी बनाना था और फिर कानों में कुछ ईयरिंग्स ना पहनो तो अच्छा नहीं लगता तो मैंने पहन ली और अब मैं चलती हूँ मम्मी की हेल्प करवाने मम्मी एक मिठाई बना रही है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी चलो आपको बताती हूँ वो क्या बना रही है और यहाँ पर देखिए मम्मी बना रही हैं चूल्हे पर अनरसे ये अनरसे होते हैं ये एक टाइप की मिठाई होती है जो मकर संक्रांति की बहुत स्पेशल मिठाई होती है चिक्की एंड गुड़ ये सब तो हम लोग बनाते ही रहते हैं बट ये बहुत हमारे यूपी की बहुत स्पेशल मिठाई होती है मकर संक्रांति के लिए जो कि मम्मी अभी बना रही है और ये ना गुड़ और चावल से बनती है बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ये मम्मी ही बना पाती है मुझे तो आता नहीं है तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है अगर आप लोग यूपी से हो तो आप लोगों को पता होगा और मुझे ये वाला स्टैंड चाहिए था सो मैंने ऑनलाइन परचेज करवाया एंड ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा बेलन होता है या तवा होता है या रोटी बेलने वाला जो पट्टा बोलते हैं तो वो तवाई एंड बेलन तवा सब कुछ आप इस पर रख सकते हो तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा मैं रखती तो इसी जगह पर थी बट अब मुझे स्टैंड की ज़रूरत लगी और जब भी मैंने देखा इसको ऑनलाइन आई लाइक इट सो मैंने परचेज कर लिया तो इसको ना कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं यहाँ पर आप इसको तवाई रख दीजिए इस तरीके से नेक्स्ट आप यहाँ पर ये रोटी सेकने वाला ये आपने तवा रख दिया बहुत यूज़फुल है अगर आप परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो एंड इसकी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई लाइक इट एंड बहुत यूज़फुल है ये क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको व्यवस्थित रखना होता है और ये एक बहुत काम की चीज़ है परचेस करने के लिए लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए सारा सब कुछ मैंने मम्मी की हेल्प करवा दी सब कुछ बन चुका है जो भी मिठाई हम लोग बना रहे थे और सारी साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ लंच और पापा जी आ गए हैं लंच के लिए मेरे ससुर जी तो बस मम्मी उनको सर्व कर रही है और मैं गर्मा गर्म, गर्म रोटियाँ उनके लिए बनाऊँगी फिर हम सब लोग भी खा लेंगे लंच बन के तैयार हो गया है लंच सभी लोगों ने कर लिया है और आज मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी बट आई डोंट लाइक लौकी सो so मैंने पता है क्या बनाया मैंने ना अपने लिए चटनी बनाई है ये वाली एंड ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये है बैंगन टमाटर की चटनी एंड बढ़िया सी रोटी तो चलो आप भी आइए आपजॉय कीजिए मुझे ये बहुत पसंद है स्पेशली विंटर में क्योंकि विंटर में कहते हैं ना वेजिटेबल बहुत फ्रेश आती है सो so मुझे बहुत अच्छा लगता है विंटर में इस तरीके से चटनीज वगैरह खाना हमारे वहाँ इसको ना बैंगन टमाटर का भरता बोलते हैं ये फ्राई भरता नहीं है इसमें ना बैंगन को भून के टमाटर को भूज कर और फिर इस तरीके से मैश करके हरी चटनी एंड हरा धनिया मिर्ची सब कुछ डालकर और नमक वगैरह डाल के बनाया जाता है तो ये वही है एंड मुझे यही पसंद है चलो आप भी आइए लंच करने के लिए आप लोग जानते हो अभी ठंड है ठंड के मौसम में दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं बट हमारे घर के काम बहुत सारे होते हैं बट मैं बोलूँगी आप वो भी मैनेज कर लोगे अगर आप घर के कामों को मैनेज करके चलोगे प्लान बनाकर बनाओगे तो सारे घर के काम आप कर लोगे तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू एक बार सारे घर को और अच्छे से क्लीन कर दूँगी वैसे मॉर्निंग में किया ही था मैंने और सामान जो है बच्चे बहुत फैला देते हैं श्रेय बहुत सामान फैलाता है तो वो मैं सही करूँगी और एक साइड मैंने मोटर चला दी है तो ऊपर पानी चढ़ रहा है और कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए तो वो ड्राई हो रहे हैं तो जैसे ही झाड़ू लगा दूंगी मैं कपड़े ड्राई करने के लिए डाल दूंगी और उसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री और श्रेय को भी मैं साथ ही साथ देखूंगी कि वो क्या कर रहा है उसके साथ भी खेलना पड़ता है नहीं तो फिर वो बोर होने लगता है एंड फाइनली अब मैं आई हूँ अपने रूम में सारा काम करने के बाद तो अब मैं अपने लिए टाइम दूँगी मुझे सोना होगा तो सोऊंगी वीडियो एडिट करना होगा तो वो करूँगी या मुझे किसी से बात करना होता है कोई एक्स्ट्रा वर्क होता है तो मैं वो करती हूँ तो इस तरीके से मैं विंटर के कामों को मैनेज करती हूँ क्योंकि ठंड में ठंड भी लगती है हम हाउस वाइफ को और घर के काम तो करना ही पड़ेगा वो कौन करने आएगा एंड मैं तो किसी आया वाया को भी नहीं रखे हूँ सारा काम घर का मैं ही करती हूँ क्लीनिंग से लेके कुकिंग बच्चे को देखना और घर की सारी जिम्मेदारियाँ देखना यू you नो know? हाँ बट मेरी सासों मोम मेरी हेल्प करवा दी हैं तो बस यही है घर के कामों को मैनेज करके चलो आप भी घर के काम आराम से कर लोगे एंड हाँ विंटर है स्किन केयर ज़रूर करिए जितना हो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए एंड अच्छे से स्किन केयर करने के बाद मैं अब करूँगी थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि बहुत थकावट हो जाती है यार सुबह तो से काम करते करते तो बस मैं चली हूँ रेस्ट करने अब शाम को मिलते हैं अभी शाम होने आई है और शाम के बजे है चार और आप मेरी शक्ल देख के समझ सकते हो कि मैं ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कर रही थी या yeah, राइट right, uh, मैं अभी किचन में बिजी थी मैं बताती हूँ अपने किचन की हालत क्या हो के रखी है और uh, मैं बताऊँ मैंने क्या बनाया तो मैंने बनाया है गुड़ गट्टा जो कि बहुत ही फेमस मिठाई है हाँ है फेमस है मुझे अच्छी लगी मैं ऐसे यूट्यूब देख रही थी वीडियो स्क्रोल कर रही थी मुझे सडनली ये जो है दिखाई दिया मैंने कहा अभी मकर संक्रांति आ रही है तो क्यों ना मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ और किचन की हालत देखिए ये देखिए कितना सब कुछ फैला पड़ा हुआ ये देखिए बर्तन कढ़ाई <laughs> ये सब कुछ अब मुझे साफ़ करना होगा वॉश करना होगा और ये होता है वीडियो शूट करने में ब्लॉग शूट करने में इतना सब कुछ फैल जाता है हम लोगों के लिए और अब मैं इनको बाद में साफ़ करूँगी मैं सोच रही हूँ कपड़े सबसे पहले उठा लूँ नहीं तो फिर शाम हो जाएगी तो फिर वो जो कपड़े हैं ना पापे से ठंडे हो जाएंगे तो मैं कपड़ों को उठा के रख देती हूँ ये बाद में साफ़ करूँगी एंड हाँ ये जो रेसिपी है गुड़ गट्टा की या गुड़ पापड़ सॉरी गुड़ पापड़ी की तो इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूँगी अभी ब्लॉग लंबा हो जाएगा शाम का टाइम है आप देख रहे हो हल्की धूप भी है तो मैं इसी धूप में कपड़ों को रख देती हूँ ताकि कपड़े जो हैं हल्के गर्म रहें वम रहें ताकि उनमें कोई भी टाइप की स्मेल ना आए और बस इस तरीके से मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ आई होप बहुत सारे हाउस को मेरे ये टिप्स पसंद आए हो पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए यहीं पर मैं ब्लॉग स्टॉप करना चाहूँगी मिलते हैं नए ब्लॉग में जब तक के लिए हमेशा खुश रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग